तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम और एमएम मोटोब्लॉग्स की एक बिल्कुल नया वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके पास भी एक SJ6 लेजेंड है जिसको लेके अब फंस गए हो। मतलब जब भी आप इससे ब्लॉग्स करने की कोशिश करते हो तब क्या होता है कि आपकी वॉइस कम और विंड नॉइज बहुत ज्यादा आ जाता है ना, इसीलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हो। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया ही होगा कि ये जो आज की वीडियो है ये है SJ6 लेजेंड के माइक के बारे में। तो दोस्तों ये होता है कि जब हम कोई राइड पर जाते हैं और व्लॉग्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये तो बाहर रहता है और इसकी जो माइक है SJ कैम लेजेंड की जो ओरिजिनल माइक है जो कि हम अमेजोन से खरीदे थे पहले, वो जब अंदर रहता है तब जाके क्या होता है कि हमारी वॉइस कम और बाहर का विंड नॉइज, बाहर का नॉइज बहुत ज़्यादा आ जाता है और इससे क्या होता है कि व्लॉग्स की एकदम लग जाती है। जब हम एडिट करने बैठते हैं तब जाके सोचते हैं कि इससे हम मतलब इस वीडियो को हम कैसे एडिट करें। तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने की बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। पहले मेरे पास एक SJ4000 था, उसका भी हाल मैंने निकल लिया था, उसमें भी हम माइक यूज़ कर रहे थे। फिर जाके जब अपग्रेड किया SJ6 में तब जाके ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गया और मैं तो डिसीजन ले ही लिया था कि अब मुझे चेंज करना होगा, ये SJ6 को छोड़ के अभी मुझे GoPro में जाना होगा। पर क्या होता है कि GoPro का जो बजट है बहुत बड़ा होता है और मेरे पास नहीं था, इसलिए कुछ सोच रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते मुझे अचानक मिल गया YouTube पर कि मिस्टर अजय नाम का आगरा का एक राइडर है जो कि वो भी इंजीनियर भी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बढ़िया सा इनोवेशन किया है। मतलब ये जो SJ6 लेजेंड है और यहाँ का जो पोर्ट है इसमें क्या होता है कि इस पोर्ट में उसका एक एडाप्टर है, वो एडाप्टर लगा के हम कोई भी 3.5 mm का माइक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मतलब अच्छा बात यह है कि हम अपने चॉइस से माइक सिलेक्ट कर सकते हैं, फीचर्स देख के चॉइस कर सकता है। और जब हम मिस्टर अजय से बात करते तो पहले ही बोल दिया था कि बोया का जो M1 माइक है वो एडाप्टर में सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब अभी जो माइक से हम बात कर रहे हैं ये है बोया का M1 और ये सपोर्ट नहीं करने वाला है। और बहुत सर्च वगैरह करके मुझे मिला कि मोनो का जो AU400 माइक है वो, और एक था स्मैशट्रॉनिक्स का एक माइक, ये दोनों माइक का रिव्यूज़ मुझे अच्छा लगा अमेजोन में, पर कन्फ्यूज़ था कि कौन सा लेना चाहिए, इसलिए मैं दोनों को ही खरीद लिया। और अभी इस वीडियो के कुछ देर बाद में ही मैं हाईवे पर जाऊंगा और जाके जो ओरिजिनल माइक है उसकी और जो मोनो का माइक है वो और स्मैशट्रॉनिक्स का माइक है, ये तीनों माइक का मैं रोड टेस्ट करूंगा और वहां पर आप देख पाओगे कि कौन सा माइक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो फ्रेंड्स जो एडाप्टर मैंने ख़रीदा था अजय सर से, तो वो कुछ ऐसा दिखने में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 3.5, जो यहाँ पर आप साइन भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है आप 3.5 mm का कोई भी माइक लगा सकते हो। और यहाँ पर सी टाइप का एक चार्जर का पोर्ट भी दिया हुआ है। मतलब आप राइड करने के समय क्या होगा कि आपको अगर डायरेक्ट चार्ज करना पड़े तो इसको आप बात करते करते डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हो। और ये वाला जो पोर्ट देखिए, ये हमारा जो SJ6 है वहाँ पर लग जाता है। तो हमने पहले कर लिया SJ कैम को ऑन और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हो कि ये लगाने के बाद एक बीजी आता है, अगर बीजी ठीक ठाक आए तो मतलब ये इसमें सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए थोड़ा देर के लिए ये दिखाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पर जाके इसको लगा के यहाँ पर आप डायरेक्ट कोई भी 3.5 mm का माइक लगा सकते हो। तो मेरे पास दो माइक है, तो चलिए देख लेते हैं वो माइक को एक बार। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये स्मैशट्रॉनिक्स का ये माइक आप देख सकते हो। और इसको खोलने के बाद अंदर एक ऐसा मैनुअल जैसा कुछ मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना पड़ता है, इसको प्राइस क्या है, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये है मेन प्रोडक्ट जिसके अंदर एक छोटा सा क्यूट सा एक बॉक्स दिया हुआ है, कैरिंग केस दिया हुआ है। और इसके अंदर है हमारा जो ओरिजिनल असली जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट वो ये है, एक माइक है यहाँ पर। इसको हम यूज़ करके बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और इसके साथ जो एडेड आता है ये पाउच के अंदर वह है ये एक जैक, ये आता है। और इसका मतलब ये जो स्मैशट्रॉनिक्स का ये दोनों वेरियंट में आता है। एक तो होता है कि ये वाला, इसका प्राइस है 349 rupees। और इसमें क्या होता है कि एक्सटेंडेड केबल, मतलब थोड़ा बड़ा करने के लिए केबल, वो नहीं दिया जाता है। पर जो और एक मॉडल है इसका 499 का, सेम ही है सब कुछ, पर उसके साथ एक एक्स्ट्रा
केवल दिया जाता है कि अगर आप कोई मतलब व्लॉग्स कर रहे हो जहाँ पर आपको घूम घूम के बात करना पड़ रहा है, तब जाके आप वो एक्स्ट्रा कॉर्ड को यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि ये जो माइक है ना, इसका लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा जो माइक है हमारे पास वो है ये वाला, जो है मोनो AU400। ये भी बहुत पॉपुलर माइक है अभी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो कि इसके अंदर कोई कैरिंग केस नहीं दिया गया है, पर ये एक छोटा सा पाउच जैसा है। ये भी अच्छा है, मुझे तो ये बेहतर लगता है। और इसके अंदर ये देख पा रहे हो आप, एक मेन माइक जो है वो ऐसे दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा जैक भी यहाँ पर, TRPT जो पोर्ट बोलते हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिव्यू का कार्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है कि हाउ टू यूज़ द माइक्रोफोन करके एक दिया हुआ है। ये माउनो का जो ये है, इसका 2 मीटर का केबल दिया गया है यहाँ पर। इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है ऐसे मैंने सुना है। तो अभी जाके हाईवे पर सब टेस्ट करेंगे। और इसके अंदर और क्या है, अच्छा इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला है, और एक क्लिप्स दिया गया है, और 2 क्लिप्स दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो ये जो एडाप्टर्स है, जो कि मुझे अजय जी से मिला था, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 1250 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। प्राइस के मुकाबले ये थोड़ा मुझे महंगा लगा, पर जो है कि इसका जो काम भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मार्केट से एक माइक ख़रीदने जाओ तो उसका प्राइस 1700 to 1800 रहता है, पर इसमें क्या होता है कि इसका जो प्राइस है वो 1250 रुपीज़ है। पर ये वर्थ है कि नहीं वो तो हमें हाईवे पर जाके ही पता चलेगा। और इसके साथ आपको एक जो माइक ख़रीदना है, ये जो मुझे माउनो का जो माइक है, ये मुझे 364 रुपीज़ का पड़ा, और जो ये स्मैशसोनिक्स का जो माइक था, ये मुझे 349 रुपीज़ का पड़ा। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट्स को बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो परचेस लिंक है वो दे दूंगा, और ये एडाप्टर ख़रीदने के लिए जो मिस्टर अजय है उसका मोबाइल नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, आप उसके साथ डायरेक्ट बात बिना देर करते हुए डायरेक्ट मिलते हैं आपके साथ हाईवेज पर, और वहाँ पर जाकर हम एक एक करके सभी माइक को टेस्ट करेंगे। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हाईवेज पर, और अभी टाइम हो रहा है सुबह को 10:20, और धूप इतना हो रहा है कि लग रहा है कि मैं दोपहर को निकला हूँ, इतना गर्मी है। नहीं बस, तो आते हैं टॉपिक पर दोस्तों। तो अभी हम जो माइक यूज़ कर रहे हैं वो है SJ6 लेजेंड का जो ऑफिशियल माइक है, वही जो कि मैं अमेजोन से ख़रीदा था। और 3 माइक यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा, और किसी पर भी मैं चिल्लाऊँगा नहीं, जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ वैसे ही करता रहूँगा, और बाद में जाके चेक करूँगा कि कैसे साउंड आ रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि मेरा स्पीड है लगभग 80 के करीब, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, तो चलो जाते हैं और देखते हैं कि आता है। और ये जो माइक मैं अभी लगाया हूँ वो तो मैंने जैसे कि बोला, ये SJ6 लेजेंड का माइक है, ऑफिशियल माइक है, जिसमें थोड़ा स्पीड पर ही स्पीड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। पता नहीं अभी क्या हो रहा है, मैं बस रास्ते पे ही माइक को सेट किया, तो मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा, अभी 80 है तो मैं थोड़ा 100 के करीब लेके जाऊँगा, और वहाँ पर जाकर टेस्ट करूँगा कि कैसा आ रहा है साउंड। अभी जैसे कि देख पा रहे हो आप कि मेरा स्पीड 100+ हो गया है, अभी पता नहीं कैसा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, ये था कुछ मेरा जो SJ6 लेजेंड का ऑफिशियल माइक है उसका रिव्यू। उसका साउंड तो आपको पता चल रहा ही होगा, पता नहीं कि आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं। तो अभी हम चेंज करेंगे और लगाएंगे स्मैशसोनिक्स का जो माइक है मेरा, वो लगा के देखेंगे कि उसका साउंड कैसा आता है, उसका वेट नॉइज कैसा आता है। एक ही स्पीड में मैं टेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्मैशसोनिक्स का माइक, और अभी माइक चेंज कर लिया। ये जो माइक से आप सुन पा रहे हो ये स्मैशसोनिक्स का माइक है, जो कि मैं अमेजोन से ही ख़रीदा था। अभी रास्ते में हूँ इसलिए अच्छे से मैं सेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद एक माइक मुझे चेंज करना पड़ रहा है। और स्पीड की बात किया जाए तो अभी हमारा स्पीड है 80, पता नहीं कैसे साउंड आ रहा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ, तो देखते हैं
इसका साउंड अभी कैसा आता है। तो इसके बाद मेरे पास और भी एक माइक है, वो भी मैं टेस्ट करूँगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा स्पीड अप करना है, स्पीड अप करने की जगह नहीं मिल रहा है। और थोड़ा खाली स्ट्रेच अभी मिल गया है हमें, और स्पीड अभी हम आप कर रहे हैं 80, 90, 100 तक जाएंगे हम, 100 में जाकर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा स्पीड है करीब करीब 100 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका साउंड कैसे आ रहा है। अगर यहाँ पर साउंड ठीक ठाक आ रहा है तो मानना होगा कि ये माइक बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बस 349 रुपीज़। और अगर इसमें इसका काम हो रहा है तो मैं तो कहूँगा कि LC6 का जो ओरिजिनल माइक है उससे ये बहुत बेहतर माइक है। तो चलिए अभी 100 किलोमीटर स्पीड से हम चेक कर रहे हैं माइक को, और ये है स्मार्टफोनिक्स का माइक। ये माइक अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर जाके चेक करो, मैं इसका बाइंग लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके इसको आप परचेस कर सकते हो। और जैसे कि मैं बोला कि अगर इससे ज़्यादा बैग की ज़रूरत है आपको तो वहाँ पर एक ऑप्शन भी है, उसका प्राइस हो जाएगा 499। और अगर बस छोटा सा माइक जो मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ वो ही लेना चाहते हो आप तो उसका प्राइस आएगा 349 रुपीज़। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका साउंड आपको कैसा लगा, और ये तीनों माइक के अंदर कौन सा माइक आपको लगा कि ये वैल्यू पर मानिए, ठीक है। तो चलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के हम माउनों को भी ट्राई कर लेते हैं, और आगे जाके हम माइक को फिर से चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लगा चुके हैं हमारा जो, और जो तीसरा माइक था वो है माउनो AU400, जो कि ये तीनों में से सबसे बेहतर मैं सुना था, पता नहीं एक्चुअली कैसा होगा। तो किसी तरह से भी वो वार जो इसका जो केबल है ना अभी तो ठीक से लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हाईवे पर रुक रहा हूँ और बस लगा रहा हूँ। और यहाँ पर हाईवे पर जो एक्सटेंशन का काम चल रहा है इसलिए एक भी पेड़ भी नहीं है कि किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊँ, पूरा का पूरा धूप, बहुत धूप है। एनीवेज दोस्तों अभी जो मेरा स्पीड है वो 90+ है, और मैं कुछ देर जाके उसको फिर बढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हाईवे पर मैं बहुत प्रेशर है, आप देख सकते हो। थोड़ा आगे जाके मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करूँगा, फिर जाके पता चलेगा कि इसका माइक का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो माइक मैं अभी लगाया हूँ ना, ये नॉर्मल कंडीशन से बस कहीं पर मैं इसको ठोस दिया, ठीक है। अगर आप इसको और भी बेहतर तरीके से ये जो इसका जो केबल है, माइक का जो केबल है उसको लगाओगे तो हो सकता है कि इसका साउंड का परफॉर्मेंस और थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, पता नहीं अभी कैसा आ रहा है। तो ठीक ठाक तरीके से इसको लगाओगे तो इसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगा। तो अभी हम कुछ दूर जाके टेस्ट करेंगे इसको कि इसका माइक कैसा है। तो चलिए अभी थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा खाली रास्ता मिला है हमें। अभी स्पीड है 80, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पीड अभी 80 है। थोड़ा बढ़ाऊँगा, अभी 90+ हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। 100 तक टेस्ट करूँगा मैं इसको, अभी स्पीड है मेरा 100, और मैं बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हाईवे पर स्पीड लिमिट यूजुअली 80 होता है, हम बस टेस्ट करने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं कि आगे आप देख सकते हो स्पीड मेरा जो है वो करीब करीब 110-120 पर हम जा रहे हैं। ये आप कोशिश मत कीजिए, और करना भी है तो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते कीजिए। अभी हम जाएंगे थोड़ा सामने, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और घर चले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बस टेस्टिंग वीडियो मेरा कुछ यहीं तक ही था, और आप लोगों को क्या लगा कि कौन सा माइक सबसे बेहतर है, माउनो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स SJ का माइक का तो पता है मुझे कि वो किसी तरह से भी बेस्ट नहीं होगा। पर ये जो दोनों मैं टेस्ट किया अभी माउनो और इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोगों को क्या लगा कि कौन सा माइक मुझे रखना चाहिए और कौन सा माइक मुझे मतलब नहीं रखना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। और नॉइस कैंसलेशन दोनों माइक पे ही लिखा हुआ है कि बेहतर है, अच्छा है, पता नहीं कि एक्चुअली क्या होगा। तो अभी यहाँ पर हम रुकेंगे, हम थोड़ा चाय चाय पियेंगे, और आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को आखिर तक, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये टेस्ट जो मैं किया अभी वो आपको कैसा लगा और कौन सा माइक बेस्ट है।
तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा और इन्फॉर्मेशन आपको हम दे पाए तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आ रहा हूँ एक नया वीडियो लेकर, टिल देन बाय बाय।